Hey students, good morning. Welcome to Nijijango Maths classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed the exercise 7.1. So I hope everyone is clear. और 7.1 exercise है students. उसके मैंने आपको 3 parts है वो upload किए हैं. Part 1 में students question number भी लिख रही हूँ 1, 2, 3. Okay. तो part 1 में 3 questions हैं. Part 2, 4, 5, 6. Part 2 में आपकी ये क्वेश्चन है. Part 3. तो Part 3 में कौन से क्वेश्चन है? 6 के भी एक पार्ट है और 7, 8, 9, 10. तो स्टूडेंट्स ये 3 पार्ट में मैंने अपलोड किए क्योंकि एक ही क्वेश्चन के स्टूडेंट्स 3, 3, 4, 4 पार्ट है. क्योंकि एक पार्ट ही आपका मोर देन 35 मिनट्स का हो रहा है. अगर मैं तीनों को एक साथ बनाती तो 2 आवर्स से ज्यादा की वीडियो हो जाती और 2 आवर्स से ज्यादा की हो जाती तो आप देखते भी नहीं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाती. ओके, तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स इसको क्या है 3 पार्ट में डिवाइड किया है. और उससे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया है. इंट्रोडक्शन पार्ट किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कौन से स्टार्ट हो रखा है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप सबने वो पार्ट तीनों पार्ट और ये जो इंट्रोडक्शन वाला है वो देख लिया होगा. और स्टूडेंट्स अगर नहीं देखा हो तो मैं इन सब का लिंक है वो जो आज की जो क्लास है वो उसमें डालूंगी. ओके, तो आप वो सब भी देख सकते हो. अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स जो 7.1 एक्सरसाइज है बस मैं बता दिया था लास्ट में बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पूरे चैप्टर में आपके 4 फॉर्मूले यूज होते हैं. 4 में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे 7.1 एक्सरसाइज है तो 7.1 एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. तो x2 - x1² + y2 - y1² तो ये आपका स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला है. और स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने फॉर्मूले साथ साथ लर्न कर लिया करो. जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हो गए ना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. क्योंकि मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक भी बताती हूँ हर फॉर्मूले की कि मैं कैसे लर्न करती हूँ. क्योंकि एक तो होता है जो रटना चीज. रटने से क्या होगा कि आपको एक बार याद होगा उसके बाद आप भूल जाओगे. लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल वे से कि सोच के जब काम करते हो ना तो आप नहीं भूलने वाले. तो जैसे मैंने इसमें क्या करा देखो पहले x2 करेक्ट है उसका बाद में पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले. तो x2 - x1 से y2 - y1. अब दोनों में जो साइन है वो कौन से है? दोनों में साइन माइनस के है और बीच वाला साइन है वो हमारा प्लस का. तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको ये लास्ट क्लास में क्लियर हो गया होगा. मैं अब कर देती हूँ. और स्टूडेंट 7.1 एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज हुआ था. और 7.2 में देखो मैंने ये लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला. तो 7.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट एक ही फॉर्मूला यूज होता है. विच वन? सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला में स्टूडेंट्स क्या होता है देखो मैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है इसको मैं बताती हूँ कि हम मैंने कैसे लर्न किया होगा. अब देखो यहाँ पे क्या है m1 m2 x2 x1. अब मैं ऐसे लर्न करूँ m1 m2 या फिर ऐसे लर्न करूंगी m1 x2 ऐसे कभी भी लर्न नहीं होता. इसकी एक ट्रिक देखो मैं कैसे लर्न किया m1 m2 देखो मैं कैसे करती हूँ m1 बीच में प्लस m2 ये तो याद होएगा ना फ्रेंड कि m1 m2 और सेम काम करना अपोजिट करना है x2 और x1 कि ये दोनों अपोजिट जैसे लर्न हो गया. अब यहाँ पे भी m1 + m2. तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मैंने मेथड आपको कराया ये क्लियर हो गया होगा. सेम अब देखो दूसरा आप बनाओ m1 m2 और m1 + m2 यहाँ पे भी प्लस था. अब यहाँ पे क्या आएगा y2 और y1. इसमें ये देखो कि यहाँ पे ये दोनों चीज रिवर्स हो रही है. अगर यहाँ पे m1 है तो y2 हो रहा है और यहाँ पे y1 है तो m2 हो रहा है. तो फ्रेंड्स आप ये वाली चीज बहुत क्लियरिटी से देख लेना. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन. नोट डाउन हो गया होगा तो फ्रेंड्स मैं आपको रब कर देती हूँ ये. तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है ना तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ. ओके, अब है आज की जो हमारी क्लास है वो टॉपिक
एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर है मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास इज 10th ओके एंड टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1 कि आज की जो 7.2 एक्सरसाइज की फर्स्ट क्लास है और हम पहले कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी मैं लिख देती हूं ओके ओके तो नाउ स्टार्ट द क्लास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच द जॉइन 1, 7 अब देखो -1 और 7 है 8, 4 और -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3 कि आपके दो पॉइंट्स गिवन है -1 और 7, 4 और -3 और रेशियो क्या है आपकी 2:3 तो अब क्या है यूजिंग द डिस्टेंस सॉरी सेक्शन फॉर्मूला फिर अब वहां पे ये नहीं बोलेंगे आपको कि आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है या फिर एक जो नेक्स्ट चैप्टर में आता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला तो या फिर वो वाला यूज करना है ठीक है या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी गिवन होते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी वो वाला यूज करना है तो वहां पे आपको फॉर्मूला देखते मतलब क्वेश्चन देखते के साथ समझ जाना कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जैसे आपको रेशियो वर्ड आ जाए देखो इसमें जैसे रेशियो वर्ड आ गए तो रेशियो से आप समझ जाना है कि आपका क्या यूज हो रहा है सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है और जिस क्वेश्चन में x1 और x2 गिवन हो कि x1 और x2 और y1 और y2 और क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्टूडेंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कि आपको दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है तो जब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इट्स मीन आफ्टर स्टूडेंट कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है लेकिन जब आपको रेशियो दे रखी हो और सॉरी जब आपको रेशियो दे रखी हो स्टूडेंट्स आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा लेकिन जब आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो ठीक है उसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज होगा ओके तो नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट 7.3 तो उसमें जो हमारा यूज हो रहा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज हो रहा है तो हमने यहाँ तक ये फर्स्ट क्वेश्चन ही क्लियर कर लिया है अब हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं क्या है -1, 7, 4, -3 रेशियो क्या है स्टूडेंट्स 2:3 तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अब जैसे ये चीज आए तो आपको क्या वैल्यूज पुट कर देना है कैसे करेंगे आप देखो ये रेशियो में मैंने क्या बताया था m1 m2 यहाँ तो हो गया m1 m2 अब यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 y1 y2 तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैंने जो बताया है कि m1 m2 x1 x2 और y1 y2 तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ओके नोट इट डाउन ओके अब यहाँ पे जैसे आपको ये क्लियर हो जाता है स्टूडेंट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला क्योंकि मैंने बताया था कि रेशियो वाला जैसे क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा तो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है अब मैंने फॉर्मूले की आपको बताने की ट्रिक बताई थी वैसे ही हमें वैल्यूज पुट करनी है वैल्यूज मैंने कैसे बताया था देखो m1 + m3 ये हो गया अब उसके बाद था क्या था x2 - x2 तो x2 क्या है 4 ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया अब क्या है x1 भाई यहाँ पे x1 है क्योंकि m2 तो मैंने पुट कर लिया तो x1 क्या है -1 ओके सेम एज इट इज हमें y के में भी देखना है क्या है m1 m2 क्या है 2 + 3 ब्रैकेट अब देखो यहाँ पे क्या है y2 कितना है हमारा -3 और अब उसके बाद है क्योंकि m2 की वैल्यू हमने डाल दिया उसके बाद क्या है y1 तो y1 की वैल्यू हमारी 7 तो आई होप कि स्टूडेंट जो मैं आपको करा रही हूँ आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स प्लीज अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो अब देखो क्या है m1 + m2 तो m1 + m2 2 + 3 ओके तो अब देखो अब यहाँ पे आगे करते हैं 2 4 + 8 + अब देखो 3 1 + 3 बट -1 है तो जब 3 मल्टीप्लाई कर -1 करेंगे तो यहाँ पे +3 प्लेसमेंट पे क्या देगा माइनस तो क्या है 2 + 3 5 ओके तो
एट में से जब थ्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फाइव, और फाइव अपॉन वन, फाइव से फाइव कैंसिल आउट होता है क्या वन। तो आपको जो x की वैल्यू थी, जो रेशियो थी, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, तो x क्या गया वन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर। अब सेम एज इट इज हम y का करेंगे, तो टू थ्री जा सिक्स, अगेन टू थ्री जा सिक्स, बट माइनस थ्री है ना यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा प्लस। ओके सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वेंटी वन, टू और थ्री। ओके अब 21 को जब जैसे 6 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 15 अपॉन 5, ये आ गया सर। तो 5 को जो 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 3। तो अब यहाँ पे इतनी क्या गया, x की वैल्यू हमारी क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 3। तो द रेशियो ऑफ द कोऑर्डिनेट्स की क्या है 1:3, 1 और 3। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सॉरी ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1, -2 और -3। इसमें आपको क्या है कि आपको लाइन सेगमेंट की आपको कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट है वो दे रखे हैं, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स की आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, और लाइन सेगमेंट में आपको पॉइंट्स दे रखे 4, -1, -2 और -3, और उसके अलावा दे रहता है कि फाइंड दी कि आपको फाइंड दी कोऑर्डिनेट, और क्या है ट्राई सेक्शन। इसमें जैसे ट्राई सेक्शन वर्ड आ जाए स्टूडेंट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपको mm के रेशियो है वो क्या है 1:2 और 2:1। इसमें आपको क्या है जो mm के रेशियो क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करना है 1:2 और 2:1। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। ओके तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले जो हमारी रेशियो, देखो एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं, सपोज एक ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब क्या है ये पॉइंट कैसे होता है 1 और 2 कितना हो जाता है 3। तो 1 से 3 तक तो क्या है, एक बार तो एक से ये और एक ये हो रहा है। इसमें यहाँ पे क्या है भाई, एक इधर को क्या है 2 पॉइंट्स की रेशियो है और इधर को 1 की है, और दूसरे वाले में क्या आएगा कि यहाँ से 2 की और फिर ये। ओके तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब क्या है हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यूज है 4, -1, -2 और -3। आपको क्या रेशियो में गिवन है 1:2, जैसे 1:2 रेशियो गिवन में है तो आपको क्या करना है m1 m2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा x1 y1 x2 y2। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे ये क्लियर हो जाए फिर आपको जो ये वैल्यूज है ये यहाँ पे पुट करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ओके तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे होंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था x1 2 1+2। अब 1+2 इसमें m1 + m2, अब देखो यहाँ पे m1 और m2 था, m1 और m2 हो गया। अब क्या है x2 और x1, तो x2 क्या है -2 और x1 क्या है ब्रैकेट में आएगा सेम एज इट इज, क्या आएगा m1 + m2 यहाँ पे हो गया, और m1 और m2 बीच में प्लस का था, और यहाँ पे क्या आएगा y2 और y1। तो y2 क्या है स्टूडेंट्स हमारा -3, और y1 क्या है -1 ही है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2 1 2, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो -2 + 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, भाई 4 2 8 अपॉन में 2 और 1 3, 3 हो गया। तो 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 अपॉन 3, 3 1 3 2। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि वैल्यू हमारी 2 आ गई। सेम हम ये वाला सॉल्व करेंगे, अब 3 को -1 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा
माइनस फाइव प्लस, अब टू को जब मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो टू वन जब वन और माइनस आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे टू वन जब वन यहाँ पे माइनस है भाई, वन माइनस का तो क्या आएगा टू और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा ना, मैं डायरेक्टली फाइव तो टू और वन थ्री थ्री हो गया, अब माइनस और माइनस प्लस बट साइन माइनस का तो टू और थ्री फाइव अपॉन थ्री, तो आपकी जो वैल्यूज है वो क्या गई टू और माइनस फाइव। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस, स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स मैं एक काम करती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये भी साइड कर देती हूँ, ओके। तो आई होप कि क्लियर हो जाएगा हमारा, क्या है फोर माइनस वन टू माइनस थ्री और रेशियो आपके पास वन इज टू टू ली थी तो यहाँ पे क्या लेंगे टू इज टू वन, क्योंकि मैंने कहा था ट्राई सेक्शन में तो आपको भाई ये तो नहीं ले सकते ना, ये तो हमारा कंपल्सर नहीं है कि वन इज टू टू लेने, तो हमें दोनों लेके सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था कोऑर्डिनेट आपकी फाइव मार्क्स की, मतलब जो सीबीएसई का जो आपका ब्लू प्रिंट है उसमें तो सिक्स मार्क्स का दे रखा है, लेकिन जो लास्ट ईयर 2020 का जो एग्जाम हुआ है स्टूडेंट्स उसमें आपको कोऑर्डिनेट फाइव मार्क्स की आई हुई है, सिक्स की रिप्लेसमेंट पे एक मार्क्स जो कंपनशेट हुआ है वो मैथुलेशन में हुआ है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, अब सेम वही वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो एम वन एम टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या था टू इज टू वन, टू प्लस में वन, अब क्या आएगा टू प्लस में वन ये हो गया, अब क्या है यहाँ पे एम एन क्यू हो गया, अब क्या आएगा एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू की वैल्यू ले लेते हैं माइनस टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और एक्स ये हो गया, अब सेम ये कॉमन लगा लेते हम एम टू प्लस वन, टू प्लस वन हो गया तो क्या आएगा उसके बाद वाई वन, अब टू प्लस वन ये तो एम वन और एम टू हो गया, एम वन और एम टू, अब वाई टू और वाई वन, तो वाई टू क्या है माइनस थ्री और वाई वन माइनस वन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, टू टू जो फोर किसका आएगा माइनस का आएगा प्लस फोर वन जो टू और वन थ्री, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है यहाँ पे क्या आएगा टू थ्री जो सिक्स, तो यहाँ पे आएगा सिक्स बट किसका आएगा माइनस का आएगा प्लस, अब वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा वन बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस किसके पे माइनस हो जाएगा और टू और वन थ्री, यहाँ तक हो गया। अब फोर प्लस का फोर माइनस का तो इट्स मीन जीरो अपॉन थ्री, जीरो अपॉन थ्री को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जीरो, तो एक्स वैल्यू वैल्यू पॉइंट हमारे जीरो आ गए और यहाँ पे माइनस वन और माइनस सिक्स तो माइनस सेवन अपॉन थ्री, तो y के जो पॉइंट्स है वो क्या है माइनस सेवन अपॉन थ्री, तो यहाँ पे क्या पॉइंट, तो यहाँ पे ये x की पॉइंट आ गई, ये y की पॉइंट आ गई, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट, हमारे क्या क्या पॉइंट आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्राई सेक्शन से लिया गया है, तो क्या क्या पॉइंट आया है जब हमने रेशियो ली है वन इज टू टू, तो क्या पॉइंट आए टू और माइनस फाइव अपॉन थ्री, और जब हमने रेशियो लिए टू वन तो क्या पॉइंट आया जीरो माइनस सेवन अपॉन सिक्स, क्योंकि हमारे पॉइंट आया है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, स्टूडेंट्स मैं बहुत स्लो करा रही हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट्स, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड एबीसी लाइंस हैज बीन ड्रॉन विद चॉक एट द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच एंड हंड्रेड फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी एज शोन इन द, जो सामने देखो फिगर है निहारिका रन्स वन बाय फोर्थ ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड होस्ट ए ग्रीन फ्लैग, प्रीति रन्स वन बाय फिफ्थ द डिस्टेंस एडी ओ
on the 1/8 line on the post a red flag. What is the distance both the flag if the Rashmi has to post a blue flag exactly? Halfway between the line segment joining the two flags, where should she have post flag? इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन मैं बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखा है और इस क्वेश्चन को मैं आपको ओरली कर देती हूँ। तो ओरली में क्या है कि स्टूडेंट्स आपकी दो फ्रेंड्स हैं, एक स्पोज निहारिका एन, निहारिका से मैंने एन बना दिया और नेक्स्ट कौन सी है प्रीति। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे आपको फ्लावर पॉट्स है वो रिप्रेजेंट किए हुए, बट जो फ्लावर पॉट जो रिप्रेजेंट किए हुए वो क्या है इनका जो डिफरेंस है 1, 2 तो 1 से 2 पे डिफरेंस है 1 मीटर का डिफरेंस है और 1 मीटर पे जो 1 मीटर पे जो आपके फ्लावर पॉट्स है वो कितने 100 है। तो क्या है कि एक स्टूडेंट है वो क्या है कि सेकंड लाइन पे रिप्रेजेंट करती है और कितने फ्लावर पॉट्स है उसके कितने पे है 1/4 वो है निहारिका और प्रीति है 8 पॉइंट पे है और उसके फ्लावर पॉट्स है कितने 1/8। तो हम पहले इनकी वैल्यू कर लेते हैं निहारिका, निहारिका के क्या है पॉइंट्स 2 क्योंकि सेकंड लाइन पे है और कितने पॉइंट्स है 1/4 तो 1/4 को भाई 4 से तो क्या हो गया 4 हो गया और 100 क्यों लिखा है क्योंकि आपका 10 के रिप्रेजेंट पे यहाँ पे 100 हो जाता है क्योंकि फ्लावर पॉट्स का तो बताया गया ना कि 1 किलोमीटर के कितने हैं 1 मीटर के डिस्टेंस में 100 फ्लावर पॉट्स है इसलिए हमने 100 कर दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 को जब कैंसिल आउट करेंगे 25 तो 2 से 25 ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉइंट्स आ गए निहारिका के एंड नेक्स्ट प्रीति। तो प्रीति का जो पॉइंट है प्रीति के पॉइंट में क्या आएगा आपके पॉइंट्स हो जाएंगे 8 क्योंकि 8 लाइन पर रिप्रेजेंट कर रही है और कितने कर रही है 1/8 तो 1/8 को यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे था 100 अपॉन में 5 क्योंकि 100 अपॉन में 5 क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जैसे 1/4 बोले गए यहाँ पे 1/5 बोले गए तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 20 तो 8 और 20। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे ये पॉइंट्स आ गए तो उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि एक स्टूडेंट है वो एक ग्रीन फ्लैग पे जाके यहाँ पे जैसे ग्रीन फ्लैग बनाती है और एक है वो रेड ठीक है और तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो पूछा गया। क्या पूछा गया स्टूडेंट्स दोनों का डिस्टेंस पूछा गया है। तो जैसे डिस्टेंस का नाम आ जाता है तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था अभी कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने बताया था क्या करते हैं अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज उसमें बताया था आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वो वाली देख सकते हो क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपका जो एक्सरसाइज 7.1 तो कौन से में यूज हो रहा है 7.1 तो जैसे ये हो गया अब यहाँ पे आपको निकाली का जो प्रीति है जैसे ये x1 x2 y1 y2 तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे ये क्लियर हो जाए पुट द वैल्यू टू दिस फॉर्मूला तो क्या होगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर अंडर रूट 8 - 2 का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 20 - 25 का -5 का होल स्क्वायर। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 25 अब यहाँ पे माइनस क्यों आया क्योंकि स्क्वायर है जब ऐसे -5 × -5 करते हैं -5 कैंसिल आउट हो जाते 25। जैसे यहाँ पे आपको मैं बार बार बताती हूँ कि इवन नंबर होते हैं तो माइनस का जो साइन है वो कैंसिल आउट हो जाता है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आया तो 3 और 2 5 और 1 6 तो आपका आंसर क्या आ गया रूट 61। तो
हारिका और जो प्रीति है उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारे कितना गया √61। लेकिन देखो अब इन्होंने एक ने बोला है एक हमारा ग्रीन फ्लैग यूज करी है और एक रेड कर रही है, ठीक है, तो ये तो हमारा डिस्टेंस से निकल गया डिस्टेंस फॉर्मूले से। लेकिन उनके बीच में इनकी एक फ्रेंड और आ जाती है, उसका नाम क्या है, रश्मि। तो रश्मि का क्या है कि ये ही आपकी चीज है, तो रश्मि ने बोला कि उसके पॉइंट्स बताने हैं। तो रश्मि कौन सा फ्लैग लेके आती है, आपका ब्लू लेके आती है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, आई होप कि स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है चैप्टर में कि आपके चार फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। चार कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, कि फर्स्ट वन आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है, नेक्स्ट है आपका मिड पॉइंट एंड लास्ट वन एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर आपका आ जाता है ये चार फॉर्मूले ही यूज होते हैं बहुत ज्यादा। तो इनमें से जो मिड पॉइंट है बहुत कम यूज होता है, आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर मैंने भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 5 मार्क्स का आता है। ओके, तो 5 मार्क्स में आपका 1-3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स में। तो यहाँ पे था आपका, अब क्या मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए तो जो हमारी रश्मि है, तो रश्मि का जो मिड पॉइंट बताए गए हैं तो वो क्या है, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में दो ही चीज पूछी गई थी क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन दो फ्रेंड्स के बीच में डिस्टेंस था हमारा √61 और मिड पॉइंट से आया आपका 5 और 22.5। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 7.2। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इसी एक चैप्टर में आपके 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज की क्लास में मैंने कराया है आपको क्लियर हो गया होगा, नोट इट डाउन। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। आई होप कि जो मैंने आज आपकी क्लास में कराया आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, एंड फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, 7.2 क्योंकि आज की क्लास में भी स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 7.2 ही है, बट उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हुए हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं एक ही मतलब की क्लास में करा दूँ तो आपकी जो क्लास है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मतलब मोर देन 2 आवर्स हो जाती है, इसलिए मैं उसको पार्ट्स में करा दूँ। तो आज की जो क्लास में है क्योंकि सबके बहुत ज्यादा पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।